नमस्कार आदाब सेलिब्रिटी बॉन्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका कैंटपाजी और लेके आया हूं फिल्मी रिव्यू। सो दोस्तों बात करेंगे परमाणु पिक्चर की। बहुत इंतजार था इस पिक्चर का और लोग देखना चाहते थे कि परमाणु पिक्चर कैसे बनाई गई है। जी हाँ, बात कर रही है जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम की इसमें एक्टिंग जो है काफी अच्छी है, पर इसके बावजूद भी उनकी बॉडी जो है वो वैसी नहीं दिखाई गई। कहीं पर लग रहा है कि जॉन अब्राहम जो है दूसरे कलाकारों के आगे जो है फीके पड़ रहे हैं। बीच बीच में तो कुछ ऐसे भी सीन है जहां पर जॉन अब्राहम को कोई पीट के जा रहा है। सो ये बात दर्शकों को हजम नहीं हो रही। अगर बात करें परमाणु पिक्चर की तो क्या कंसेप्ट है, जो भी ये काम करेगा उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग। तो दोस्तों बात कर रहे हैं उस समय की भारत की, जब भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होते। अमेरिका 1000 से भी ज्यादा एटम बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका है। उसके नक्शे कदम पे चाइना 43 टेस्ट कर चुका है और एक के बाद एक अपने एटम बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। Now it's time for India to become a nuclear। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है जो पिक्चर में दिखाया गया है। उस समय अमेरिका से बचा के हमने परमाणु परीक्षण करना है, मगर अमेरिका ने अपने जासूस और सैटेलाइट जो है वही जगह पर स्थापित किया है जहां पर हमने परमाणु परीक्षण करना है। अमेरिका की लक्रोस सैटेलाइट्स हर वक्त हम पर नजर रखे हुए है, कुछ नहीं बचता इनसे। मेरा प्लान है इन्हें पूरी तरह। तो दोस्तों इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि कुछ समय का, जी हाँ मात्र कुछ समय का भारतीयों को टाइम मिलता है परमाणु परीक्षण करने के लिए। तो जॉन अब्राहम बड़ी ही चालाकी के साथ जब सैटेलाइट की पोजीशन जो है थोड़ा सा हटती है उसी वक्त काम करने लग जाते हैं और एंड में वो सफलता प्राप्त करते हैं। जी हाँ, और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे। हमें अगले 30 दिनों में यहाँ एक नहीं 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट करने हैं और वो भी दुनिया से छुपके। गो गो गो। पार्थ जो है परमाणु परीक्षण में पास हो जाता है। अगर बात करें कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है रोचक है, मगर पिक्चर को कहीं ना कहीं खींचा गया है। पिक्चर में साफ नजर आ रहा है कि पिक्चर काफी ज्यादा खींची गई है। अगर बात करें इस फिल्म के ट्रेलर की तो फिल्म का ट्रेलर जो है फिल्म से ज्यादा बढ़िया है। शहर की भोली भाली जनता को पता भी नहीं कि उनके बीचों बीच क्या गुजर रहा है। अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो ये पूरा शहर अंडरग्राउंड हो जाएगा। Come on, let's move, guys. तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो शर्मा? Tell the president, let's stop this. Why don't you get it? Our cover has been blown. अमेरिका ने साफ शब्दों में धमकी दी है, हम युद्ध नहीं चाहते। और पुश कम्स टू शव, हम भी पीछे। जल्दी, टाई अप, टाई अप। हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। मैं बहुत ना पूछ ला, बढ़िया लगी फिल्म, बहुत ही फिल्म लगी। कॉन्सेप्ट कितने लगे? मैं ठीक सी। पंजा कितने लगे? पंजा जो चार। चार। हाँ जी हाँ। सब तो बढ़िया रोल निकल गए। जॉन अब्राहम एक्सपायर कर दिया हरेक नो के मान लो कितना जाए बढ़िया काम। ओके बधाई। सर जैसी सोचा था वैसी तो नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी इतनी, जो देख रहे थे बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट। सर अच्छी तो सभी थे, अपने जो काम कर रहे थे अच्छे किया उन्होंने, लेकिन जो मज़ा उसमें था जो मूवी में देखना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं मज़ा नहीं दिखा। अगर बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की तो कैसी एक्टिंग हुई? सर बहुत अच्छी लगी। यस सर बहुत अच्छे। सर अच्छा लगा, इस तरह की मूवी आनी चाहिए, अच्छी लगता है, जैसे हमें पता चलना चाहिए ऐसी मूवी का। कमी कमी कहाँ? सर कमी मूवी में थी स्टोरी। यस सर। अगर बात करें बिगनिंग की तो कहाँ से बिगनिंग होती? सर बिगनिंग एक्चुअली ओके, अगर रेटिंग की बात करें तो आप 5 में से कितने स्टार देंगे इस मूवी? सर 3। यस सर। ओके थैंक यू।
अगर पूरी की पूरी स्टोरी की बात करें तो पूरी स्टोरी में सस्पेंस है, मगर कहीं ना कहीं पिक्चर खींची गई है। अगर बात करें भारतीय सिनेमा और दर्शकों की, तो दर्शकों को जो पिक्चर है कम जो पसंद आ रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि फिल्म में कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे फोकस किया गया है। रेटिंग की बात करते हैं तो इस फिल्म को 5 में से 3 और 4 स्टार मिल रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। बने रहिए सेलिब्रिटी बॉन के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो चलते हैं आधा वर्ष।